ये देखो कैसे रो रहा है, कैसे रो रहा है, क्या बात है इसमें रोने की, घूमी घूमी करके आते हैं। आज इसको बुली कर लिया इन्होंने, कालू कर रहा, कालू भालू, गोल्डी दिख रहा है, गोल्डी आपके साथ था, हमारे साथ था, वो घूम लिया, ज्यादा ही घूम लिया, फिर वो रेस्ट कर रहा है। शिट, आप ये वाला डॉग देखना, उसका फेस देखना, देखो 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 देखो, टिल्लू आ गया यार, ये देखो ये आ गया हमारा टिल्लू जी, टिल्लू डॉन नहीं, टिल्लू डॉन नहीं, गुड्डा पता नहीं कहाँ चला गया आज तुम्हारा, तुम्हारे साथ वॉक करके हमारे साथ आया ही नहीं, फिर टिल्लू नहीं, टिल्लू चोट लगा तुम्हें, टिल्लू तेरी नेल्स पता कितनी तेज है, बदतमीज, हट साइड हो, नवाब के साथ खेले, चल नवाब के साथ खेल, नवाब के साथ खेल, मेरे साथ क्यों कर रहा, नवाब के साथ खेल, नवाब के साथ खेल टिल्लू। ये देखो हम लोग ना वॉक करने आए थे, अभी देखा मैंने क्या देखा, काली वहां जाके बैठ गई, तो वॉक करने आई थी काली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को, हैप्पी फर्स्ट नवरात्रा सभी को, नव दुर्गा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी घर में आ गई है, और बस मैंने आपको घुमाने ही आई हुई थी, अब इसके बाद में जाके नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। और ये देखो मेरी पलटन मेरे साथ में, कहाँ के पलटन निकल गई आगे, तो कालू भी आया हुआ था साथ में, कालू तो भाई बड़ा मस्त आदमी है कसम से, जो भैया है ना वो कह रहे यार ये कितना एनर्जेटिक है, मैंने कहा हाँ एनर्जेटिक तो है, बस थोड़ी सी इसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो अच्छा है। हाँ धो के रेडी हो गई हूँ और अब पूजा करनी है, और आज मैंने ना सूट पहन लिया है, और मेरे को अपने आप में भी बहुत चेंज लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा होगा है ना, तो अच्छा लग रहा है अपने आप में, अब चलते हैं, चल के पूजा करते हैं, रोहन भी नहा धो के सुबह भी अच्छे अच्छे से नहीं हुई बेचारा नागू, ओ गुड्डा सुन तो पापा के पास आ जा, मुंह छुपा ले, कह तुम भी तो सेम करोगे, नागू मेरे पास आ जा, इधर देख, इधर नागू मेरे पास आ जा, मेरे पास, मेरे पास आ जाओ, नीनू मैं, नीनू मैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, पर हमारे घर में यही चलता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरे को जाने दे, सपना झाड़ू लगा रही हूँ, साफ करके नहीं लगाती, उठ उठने तो दे मुझे, उठ उठ जल्दी उठ, उठ ना वो उठ, उठो उठो उठो, आ आ आ ये लौट गया मैं, सही किया ना वो, यू डिड अ गुड जॉब, तो मैं अभी पूजा स्टार्ट करने लगी हूँ, अभी सारा सामान मैंने इकट्ठा करके रखा है, इधर सामग्री और ये सब, इधर माता का दरबार, चलो पूजा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में नाबू को भी बुलाएंगे, क्योंकि जोर से बोलो जय माता दी, मेरी पूजा तो हो गई है कंप्लीट, अभी उठती हूँ, और नवाब ने भी थोड़ी सी की है, बीच में दो मिनट के लिए बैठा फिर चला गया, क्योंकि जब धुनी वगैरह हुई तो उसको थोड़ा आग से गर्मी की वजह से ना धुआं, उसको धुआं लगता है तो वो चला जाता है, तो बस अब आज दिन की शुरुआत हो गई है, पहला नवरात्र है, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, और सबके बहुत अच्छे नवरात्र हैं, जिसने पूरे फास्ट रखे हैं उसके भी, जिसने आगे पीछे का रखा है, जिसने जोड़ा रखा है स्टार्टिंग के एंड के, वो सबके अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कैसे सिचुएशन में कैसे रख पाता है, लेकिन पता कैसे देख रहा है यार, पूजा करनी पड़ेगी, प्रसाद भी तो मिलेगा गुड्डू, प्रसाद भी तो मिलेगा, तो अब टाइम है रोहन का और नाबू का पूजा का, ये देखो इसे कहते हैं बाप का डर, बराबर बैठ के पूजा करवा रहा है, मेरी बारी में तो दो मिनट के लिए आएगा, शक्ल दिखाएगा और चला जाएगा, तो गाइज इसे खौफ बोलते हैं, खौफ, इसे प्यार नहीं बोलते, पापा कर रहे हैं पूजा, और देखा शक्ल, देखना इसकी शक्ल, शक्ल देखना इसकी शक्ल, पूजा में योनिंग कौन करता है नाबू, हैं योनिंग कौन करता है पूजा में, गधा, कोटू का आटा उन्हें चाहिए होता है जिन्हें ये करना होता है, बहाने बनाने होते हैं, ये करना होता है, वो करना होता है, कि नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कोई बहाने वाने थोड़ी करने हैं, सही बात ना गाइस, तो आइए मेरी किचन में, आपका स्वागत है, वैसे किचन मेरी नहीं है, किचन तो जिनकी है, तो गाइस आ जाओ फिर, ये देखो मैंने रोहन को मना किया हुआ किचन में आने के लिए, तुम कर क्या रहे हो गाइस, मैं आपको सच सच बता देता हूँ, अगर बंदा मैं खुद बना के नहीं खाऊंगा ना, मैं भूखा मर जाऊंगा,
अब अगर किसी को लगता है कि कोई मेरे लिए खाना भेज सकता है बना के, तो भेज दो या फिर शिफ्ट हो जाओ यहीं पे आसपास घर देख लो, और सुबह शाम टिफिन पिक एंड ड्रॉप की टिफिन ड्रॉप ये टिफिन ड्रॉप कैसा होता है देख लो शेफ को, देख लो मैं आपको स्पीड दिखा रहा हूं, उंगली भी कट जाती है, ज्यादा मस्ताओ मत रोहन, ज्यादा मत मस्ताओ, बता रही हूँ उंगली कट जाएगी, और ये बहुत शार्प है चक्को, और जब से आपका फास्ट है आप कंटिन्यू दो मिनट बाद कुछ ना कुछ खाए जा रहे हो, ऐसे नहीं होता। मैंने अगर सुबह से कुछ भी इतना सा भी खाया हुआ शेक, किसने पिया? सिर्फ शेक पिया, नमक खा रही है। हाँ, मैंने भी शेक पिया। अच्छा, फास्ट में हो गया यार, मतलब मेरे ऐसे मेरे उस पे क्या कहते हैं उसे, मेरा भगवान के लिए जो वो है उस पे ऐसे यार उंगली मत उठाओ, आपकी धार्मिक भावनाओं पे वैसे ही उंगली उठी पड़ी है, जिम वाला बंदा हो गया सुबह से मेरी आते बाहर आ रही है। नहीं, मैं आप सबको बता दूं गाइस, इस बंदे पे धार्मिक भावनाओं के ऊपर 295 आईपीसी 295 लगी हुई है, केस चल रहा है, और ये कह रहा है कि मेरी धार्मिक भावनाओं पे हाथ मत लगाओ। तुम पे कैसे ना करें, तुम तो ऑलरेडी केस चल रहा है, तो बताओ, हम तो उठाएंगे, हम तो करेंगे। ये फर्टिलाइजर वो डाला होगा। हाँ, ये और ये देखो गाइस, ये ना ऑरेंज पील है, मैंने अभी संतरा खाया, उसके छिलके, इसका मैं फर्टिलाइजर बनाऊंगी, लिक्विड वाला, इसको पानी में फर्टिलाइजर बनाऊंगी। ये औरत पागल हो गई है, सिर्फ पागल खाने में छोड़, मैं तो कर ही नहीं सकता यार, मतलब मैं तो कह भी नहीं सकता सॉरी गाइस, मतलब देखो हिमशीट रियली सॉरी, मतलब मैंने आपके लिए इतना बोल दिया। ओके, मेरे को पता नहीं अगले जन्म में ऐसी ही मिलेगी कि नहीं, तुम ही ना मिल जाओ। चुप रह लो, फिर अगर अगले जन्म में मुझे नहीं चाहिए तो गाइस ये पूरा होली है, सातवां है ये, सातवां नहीं चौथा जन्म होता है, चौदहवीं मैं ही हूँ फिर गाइस, फिर उल्टे फेर लूंगा। पर ये और सुननी चाहिए तो गाइस, हो गया मेरे को गाइस, गाइस घर ले लो आसपास कहीं, मेरे लिए खाना बना दिया करना। आपको पता है मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि बाद में ये ना बोला जाए कि नहीं रोहन ने तो बस काटा थे, मैंने खाना तो मैंने बनाया था। अब गाइस देख लो, आज बता के जता के करूंगा क्या क्या कर रहा हूँ मैं, बता दिया जाएगा, एक एक बात बताई जाएगी कि मतलब। हाँ गाइस देख लो, एक दिन मैं गाइस हम लोग पीछे बात को बोलो, अब बोलो, धनिया साफ करने दो, नहीं अब बोलो, तुम बोल रहे हो गाइस, आज के बाद मैडम के हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा मैं, और तुम अपनी बात पे रहना। हाँ, मैं अपनी बात पे रहूंगा, मुकरना मैं मुकरूंगा नहीं, मैं आज के बाद चाहे रोटी ना खाऊं, चाहे मेरी बॉडी है शोल्डर यहाँ की जगह यहाँ आ जाए, लोग भी सुन रहे हो ठीक है, चेस्ट चाहे यहाँ की जगह यहाँ आ जाए, पेट चाहे इतने की जगह और घट जाए, ये बंदा अपनी बात पे रहना चाहिए, आज के बाद मेरे हाथ की रोटी ना खा ले। बस मैं यही घोट सकता हूँ, इसको तो घोट नहीं सकता। तो गाइस कुछ भी कहो मानना पड़ेगा बंदे को, ये यहाँ पे आलू की सब्जी, ये यहाँ पे कुट्टू की रोटी, हमेशा जब भी नवरात्र होते हैं या कोई भी फास्ट होता है ना, रोहन ही कुकिंग करते हैं, रोहन ही बनाते हैं, जो कपाट हमारी वो नोक झोंक को चिड़चिड़ को वो साइड में रखना, वो तो हमारी चलती रहती है, उसके बिना हम किचन में काम नहीं कर पाते, तो वो हमारी चलती रहती है। रोहन खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, और फास्ट का खाना तो बहुत ही ज़्यादा, और पहले सबसे पहले मैं जिमती हूँ, उसके बाद में रोहन खाएंगे। ये जिम वालों को बीमारी लग जाती है कुछ, ये जो हंस रही है दुनिया मेरी ना, कामियों पे ताने कस रही है दुनिया। आइए 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 आइए, किधर जाइए, हाँ जी ये आ गए चेक करने, मम्मी बैठी है कि चली गई कहीं पे, हाँ सब ठीक है, सब पौधे ठीक है। मैं तो जस्ट अभी बाहर आके बैठी थी पार्क में, तो मैं जैसे ही आई 5 मिनट हुए थे मुझे, हमारी लोमड़ी भी आ गई, लोमड़ी को देखना है कि मम्मी चली तो नहीं गई, इसको यही डर रहता है कि मम्मी चली नहीं गई है, पापा चली नहीं गए। अरे भाई जहाँ जाएंगे तुझे लेके जाएंगे, क्यों टेंशन लेता है, आप सोच रहा है कि बैठ जाऊँ कि चला जाऊँ अंदर, बाहर तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये देखो पौधे। अगर मेरे एक भी पौधे में तेरा पैर लगा और टूटा तो देख मैं तुझे कैसे तोड़ूंगी। क्या है क्यों कर रहा है तेरे को, ये इतनी जगह नहीं देखी तेरे को खाली, इसकी भी आ गई इधर। तो ये आपको जो बीज दिख रहे हैं ये हैं इलायची के, रात को मैंने इलायची के दाने निकाल के डिप करके रख दिए थे पानी में, और सिर्फ काले दाने, ना कि ब्राउन, जो वाइट और ब्राउन थे वो मैंने रखे थे, सिर्फ काले, क्योंकि ये ही उग सकते हैं,
अब मैं देख तो रही हूँ वीडियोस वगैरह, मैं देखती हूँ कि इलायची का पौधा लग पाता है। तो आज मैं एकदम टिपिकल जुगाड़ वाली गार्डनिंग करने वाली हूँ। ये जो बाल्टी दिख रही है आपको, इसे मैंने छेद कर ली है। इसमें मैं लगाने वाली हूँ टमाटर की पौध, मिट्टी, खाद। इधर ये फ्रूट की टोकरी है, बहुत पुरानी, बिल्कुल गल सी गई है। इसमें मैं ये प्लास्टिक का वो लगा के नीचे बेस बना के इसमें मैं धनिया लगाने वाली हूँ। और इसमें धनिया के बीज, ये खुला हुआ इसलिए है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा चिल मच रही थी, क्यूरियोसिटी हो रही थी कि देखने थे कि बीज कैसे होते हैं धनिया के, तो मैंने खोल के देख लिए। ऐसे ही होते हैं जैसे कि सूखा धनिया। ये टमाटर की पौधे जो कि मैं बाल्टी में लगाने वाली हूँ, वो तो और भी रही हैं लेकिन वो काफ़ी छोटी हैं। अभी ये दो ही हैं जिसे मैं लगा सकती हूँ, तो बाल्टी में दो काफ़ी हैं। वैसे तो एक लगानी चाहिए पर मैं दो लगा दूँ। तो आओ फ्रेंड्स, गार्डनिंग करते हैं मिलके। टमाटर की पौध लगाते हैं, इलायची का बीज लगाते हैं, और एक चीज़ और, हाँ, धनिया के बीज लगाते हैं। देखते हैं कि क्या ग्रो करता है और क्या नहीं। तो मैं ये दोनों पौध निकाल के तो लाई हूँ, और मुझे ध्यान आया कि मम्मी ने मुझे ये बीज दिए थे जो इनके पौध के, लेकिन वो हाइब्रिड है या देसी है ये नहीं पता। टमाटर अब तो जब आएंगे तभी पता चलेगा। लगा दिए और चार छेद कर दिए इधर उधर। मम्मी से मेरी बात होती रहती है गार्डनिंग को लेके, तो मम्मी ने बताया नहीं था ऐसा प्लास्टिक लगानी है। तो सॉरी मम्मी, अगर आप लोग देख रहे हो तो आपका शिष्य आपसे आगे निकल गया, अपनी मनमानी कर रहा है। और यहाँ पे मैंने ये पॉट लगा दी, तो यहाँ पे मैंने बीज पीस लिए। बीज, हाँ जी, बीज पीसने पड़ते हैं, उनके दो हिस्से जाने चाहिए। और अब मैं ये मिट्टी पर डालने वाली हूँ। टमाटर और धनिया लगा चुकी हूँ, अब बारी है इलायची के बीज की। मैं लगा तो रही हूँ, मुझे पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन ट्राई तो हम कर ही सकते हैं ना। मैंने ये वाले कंटेनर लिए दो, इसमें इसमें आई थी रसमलाई और इसमें आए थे वाइट रसगुल्ले। तो इनके ऊपर वो होता है ना सील, तो वो तो यूज एंड थ्रो वाला होता है, वो फेंक दिया। इन डब्बों को देख के फिर मेरे को ध्यान में आया कि भाई ये तो प्लांटर बन सकते हैं, मैं बीज लगा सकती हूँ। तो मैंने ये दोनों रख लिए, कुछ भी पैसा वेस्ट नहीं करना है कहीं भी। जितना कर चुकी हूँ कर चुकी हूँ, मतलब पैसा वेस्ट नहीं, मतलब जितना जो होना था हो गया। अब मुझे ना अपने घर से DIY करना है। तो अब इसमें इलायची के बीज है, मैंने टिश्यू में रख लिए थे ताकि सारा मॉइस्चर निकल जाए। तो अपना पौधा रोपण का कार्यक्रम समाप्त हुआ, अब है मेरे बेटे के घूमने जाने की बारी। कर क्या रहा है ये, इसे हुआ क्या है यार, कोई मुझे बताएगा ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। इसका ठंडा पानी अंदर रखा हुआ है लेकिन इतना आलसी है, अंदर कपड़े पहन लिए, कच्छा पहन लिया, घूमने जा रहा था। इसे देखा, अच्छा बाल्टी, थोड़ा सा मुंह मार लेता हूँ। नाबू, आप अंदर ठंडा पानी नहीं पीते हो, ये पी रहे हो। ये देखो, पलटन घुमाने आई है नवाब साहब को। गोल्डी भी मिल गया, पहले गोल्डी से एक सेकंड लड़ाई हुई, फिर ध्यान आया कि अच्छा ये तो दोस्त है। मिंटू तू पीछे क्यों है आज? तो अब मैं लेके आ गई हूँ नवाब को। देखना गोल्डी साथ साथ में चल रहा है, ये मेरे साथ ही रहता है। तो जब मैं गमले लगाए थे ना, तो नाबू को बहुत ऐसे हो रहा था कि मम्मी फटाफट गमले लगाए और मुझे घुमाने लेके जाए। तो मुझे था कि एक बार मैं गमले लगा लूँ, उसके अंदर चाय पीऊँगी, क्योंकि वो थकावट सी महसूस हो रही थी और भूख भी लग रही थी। तो नाबू ने फिर हाउल कर दिया वॉक के लिए कि नहीं मुझे जाना है वॉक, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती मैं, चाय तो बाद में भी पी जाएगी। नवाब की वॉक के साथ में नहीं, अगर नवाब ने बोल दिया जाना है तो फिर मैं नहीं रुक सकती। तो अभी इसको लेके आई हूँ और पूरी पलटन साथ में आई है, लेकिन अभी मेरे साथ में कोई भी पलटन नहीं है, सब इधर उधर जंगलों में घूम रहे हैं। हम लोग इधर घूम रहे हैं और ये वहाँ से कहीं से निकल के आए। एक तो भी आ भी रहा है, ये देखो ये देखो। अब ये उधर जो डॉग भोंक रहा है ना, उससे लड़ने जाएंगे। अभी देखना गोलू गोलू को, देखना अभी देखना, आगे आगे जाएंगे, इनके बस का कुछ नहीं, वापस आ जाएंगे। जैसे वो हुड़की देगा ना वापस आ जाएंगे, अभी देखना ये। अरे आज तो भगा उसे, ये देखो सुबह भी यही हुआ था, आ गया टिल्लू, इसने सुबह भी ऐसे ही किया था, ये शाम को भी मिल गया। चलो बहुत बढ़िया, तुझे क्या खुशबू आ जाती है क्या हमारी, हाँ टिल्लू आज तो उसकी मम्मी ये राहुनी भी है। मन अपनी मम्मी को मना कर, उन्हें क्यों मार रहा है, मार भी थप्पड़। नवाब के साथ खेलता है औरों को मारता है, अपनी मम्मी को मना कर रहा है। देखो अपनी मम्मी को मना कर रहा है कि नवाब से मत खेल। ब्राउनी ब्राउनी ऊपर नहीं चढ़ना बेटा, बेटा चोट लगी है, चोट लगी। रोहन ने ना जस्ट गेट खोला, ठीक है, आराम से मटक मटक के आ रहा था ये आगे तो चल रहे, कह रहा नहीं मैं ही तो जाऊंगा गाड़ी में, हट जा। भाई इसको रिएक्शन ऐसे था कि मेरे बिना कहाँ जा रही थी गाड़ी। अरे ये बहुत आराम आराम से मटक मटक के चल रहा था, जैसे से देखा गेट खुला है तो ये ऐसे हो गया कि घर पे ढंग से पहुंची भी नहीं थी। गाइस बैठ, आइए गाइस हमारे साथ चलिए, चाय पीनी थी हमें, चर्चा करा के, चर्चा नहीं चाय पीनी थी मुझे, इतनी प्यास लग रही थी, प्यास नहीं मतलब चाय का मन कर रहा था।
चलो लेके भगवान का नाम, रोहन लेके तो आए हैं मुझे। नहीं मैं देख लू कहा वो बैठ, ठीक है उसका चिता देखो। हाँ जी सर यू आर वेरी चला। कितने किलो गए? 15.5 किलो। जितनी बैंडेज करो ना उसके अंदर पूरी धूल भर भरी हुई है, इससे अच्छा तो खुला ही है। तो अभी जस्ट हॉस्पिटल से निकले, ये प्रिस्क्रिप्शन है बच्चे की, कालू नाम रखा मैंने इसका क्योंकि काला है, और रोहन लेके गए इसको गाड़ी में, मैं थोड़ा पीछे रह गई। बिठा दिया आराम से। अच्छा ऐसे कौन करता है, अंदर जाओ। अच्छा अंदर करो, मुंह अंदर करो। हाँ, कहीं नहीं भाग सकते आप, बस गुड बॉय। कैसे आँख बंद करके बैठ गया, यहीं से जाऊंगा मैं, ताला तो बाद में खोलूंगी, पहले तुम ये बताओ इसको बहुत, इसको भाई को बताओ ये कितना ज्यादा बीमार है। हैं सर मेरी गाड़ी बहुत महंगी है सर। सर देखो 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 आ गए सब आ गए किधर है ये? हाँ जी खालू, तो आप आ गए हो दीदी के बैक यार्ड में, हम यहाँ पे आराम से रहना और रोना मत रात को, अगर ज्यादा रोगे तो फिर छोड़ के आना पड़ेगा आपको आपकी जगह, और हम चाहते ही नहीं है फिर, पर इसकी कुछ तो ऐसी जगह देखनी पड़ेगी ना जहाँ इसको रख सकते हैं। तो गाइस 4 दिन पहले कोई बंदा बोला था मेरे को गाड़ी बहुत प्यारी है अपनी, मेरे को एक लड़के को अपनी गाड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बीवी भी नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। ओए चिंटू इसी में घुसेगा भाई, बोला था कुछ तो ज़्यादा गाड़ी में। अच्छा जी तो वो तो है ही है, कोई नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ना रोन थोड़ा परमानेंट सा करो, बताऊँ क्यों? पता क्या मतलब मैं मानती हूँ कुत्तों से ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है ना जो सीट है ना, सीट जैसे वो है जैसे प्लास्टिक है जो भी होता है उस पर एक नाखून लगेगा और वो फट जाएगी, फट गई है ना, तो बात ये है। तो मतलब इतना पैसा इतना भी नहीं है ना कि यार बार बार लगाते रहे इसी में। तो छोटू को ना घर पे ड्रॉप करके और हम लोग आए हैं अभी यहाँ पे माता के मंदिर, यहाँ पे 9 की 9 माता है स्थापित, और यहाँ पे भीड़ देख रहे हो आज कितनी, मतलब गाड़ियाँ देखो भीड़ कितनी होगी ना अंदर, बाप रे। सर उठ जाओ। ओ क्यों मैं नहीं उठा, चलो मैं नहीं उठा। अरे सिली हुई है और अभी भी फिटिंग का काम बचा है, वो रोहन करेंगे, और हम लोग कालू को घर पे ले आए हैं, पीछे बैकयार्ड में ही रखा हुआ है, और मुझे लग नहीं रहा है वो रात को रुक पाएगा या टिक पाएगा क्योंकि वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा रोएगा तो फिर हमें वहीं पे उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि रह जाए तो उसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। हैप्पी नवरात्रि।